अपना परिचय दीजिए। हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छिछोर करौंदी, विकास खंड रतनपुरा, जनपद मऊ। ये बताइए कि आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पिछले जो कार्यकाल आपका समाप्त हुआ है, इस कार्यकाल में आपने कितना विकास कार्य किया है गांव के लिए? गांव के लिए नारी खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, कायाकल्प में जो आया, हमारे यहाँ एक दो प्राथमिक विद्यालय, एक जूनियर स्कूल है कायाकल्प के अंदर, उन समूह की बाउंड्री, मॉडल शौचालय दोनों स्कूलों में, और आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक शौचालय, जो लोग शौचालय के पात्र थे उनको पात्रता के हिसाब से शौचालय दिया गया। आपने अपने गांव में कितना शौचालय दिया है? 600 पे 600 शौचालय आपने दिया है जी। आवास कितना आपने दिया है? 74 74 आवास आपने दिया है। क्या आवास और शौचालय सभी केवल पात्र लोगों को ही दिया गया है? पात्र लोगों को दिया गया है, किसी अपात्र को भी दिया गया? नहीं, अपात्र को नहीं दिया गया, जो लोग उसको पात्र हैं उनको दिया गया है। इसकी जांच करा कर दिया गया? जांच करा कर दिया गया। ये बताइए कि कोरोना काल में मजदूर वर्ग के लोग काफ़ी लॉकडाउन लगने के बाद बाहर से लोग आए हैं, जिनको सरकार के मनसानुरूप रोजगार देने का वादा किया गया है, इसमें आप कितना खरे उतरे हैं, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? हम लोग नरेगा के मजदूरों को 450 लगभग मजदूरों को हम लोग काम कराए हैं अपने कार्यों में। मतलब बाहर से आने वाले जितने मजदूर बाहर वर्ग के लोग जितने बाहर से लोग आए थे सबको काम दिया गया है, सबको आपने रोजगार दिया? रोजगार दिया है। ये बताइए कि आपकी राजनीति में आने की इच्छा कब से हुई? आने की इच्छा पहले तो हमारे पिताजी थे, सन 2000 में ग्राम प्रधान थे जी। उसके बाद हम लोग सामान्य सीट हो जाने के कारण हम लोग दूसरे को दे दिया गया कि आप लोग लड़िए। उसके बाद फिर पिताजी लड़े, चुनाव हार गए, उसके बाद फिर महिला सीट हुई, तो मेरी पत्नी को लड़ाया गया, जिसमें हम सफल रहे और गांव की जो उम्मीद थी कि ये विकास करेंगे, हमने उसको किया है और करता रहूँगा। राजनीति में आप क्या सोच कर आए थे? जनता के विकास करने की सोच, जनता के जनता की सेवा करने की, जनता की सेवा करने की उम्मीद थी। अपने तन मन से मैंने सेवा भी किया। आगे भी आप राजनीति से जुड़े रहेंगे? जुड़े रहेंगे, जब तक जनता को जरूरत होगी सेवा की मैं मतलब के लिए तैयार हूँ। जनता जब तक आपका साथ देगी तब तक आप जनता के लिए, जनता से चुनाव आने वाले हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता हमको खुद चाह रही है, अपील कर रही है, जनता खुद चाह रही है कि आप आए मैदान में, हमारे लिए जनता एकदम तैयार है, रेडी है। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करें, मैं अपने कार्यों को दिखा रहा हूँ, मैं 5 साल में क्या किया हूँ जी। अपील क्या है? विकास कार्य को लेकर अपने जो भी छूटे हुए है कि फिर दोबारा आप दोबारा आएंगे और जो भी छूटा हुआ विकास है उसको करेंगे। सरकार 9 वर्ष गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के अवसर पर जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभकामनाएं देना चाहेंगे, हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं जनता?